हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जानवरों के हैरान कर देने वाले लड़ाइयों के वीडियो क्लिप्स, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईगल वर्सेस कंगारू। कहा जाता है कि अगर किसी ईगल की नज़र शिकार पर पड़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन कंगारू का शिकार करना ईगल के लिए इतना भी आसान नहीं है। जैसे कि आप इस क्लिप को देखो, जहां एक हट्टा कट्टा ईगल इस कंगारू के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है, लेकिन कंगारू इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है। यहां जैसे ही ईगल कंगारू के पास आने की कोशिश करती है, कंगारू ईगल पर पलटवार करने लगता है और ईगल डरकर वापस आसमान में चली जाती है। यहाँ पहली बार देखने में ऐसा लगा मानो कंगारू ईगल को पकड़कर निपटा ही देगा, पर किस्मत अच्छी थी कि ईगल बच निकला। यहाँ ये बड़ा कुत्ता काफ़ी देर से इस छोटे कुत्ते के ऊपर भौंक रहा था, लेकिन ये छोटा कुत्ता तो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है, मानो या इससे कुछ ज़्यादा ही नाराज हो। यहाँ ये मुर्गा इस चिड़िया के पास आता है और अपनी आदत अनुसार बाग देने लगता है, लेकिन यहाँ ये चिड़िया भी कुछ कम नहीं है और ये भी इसकी कॉपी करने लगती है। कंगारू वर्सेस डॉग। यहाँ ये काला कुत्ता इस कंगारू को शिकार बनाने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन कुत्ते के साथ सब कुछ उल्टा हो जाता है। यहाँ कुत्ता कंगारू पर भौंकते हुए उसे डराने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, तभी कंगारू कुत्ते के सिर को पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है, लेकिन यहाँ कुत्ता जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाते हुए पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कुत्ते के अंदर अब भी शिकार की लालसा है। वहीं दूसरा सफ़ेद कुत्ता काले कुत्ते का साथ देने उसके पास तो आता है, लेकिन डरकर पीछे हट जाता है। वहीं काला कुत्ता फिर से कंगारू का शिकार करने चला आता तो है, लेकिन फिर से दो चार थप्पड़ खाते हुए उल्टे पैर चलते बनता है। इस क्लिप में एक बिल्ली छिपकली को पकड़कर जा रही थी, तभी सामने मुर्गा आ जाता है। फिर क्या, छिपकली इसका फायदा उठाते हुए भाग निकलती है। इस क्लिप में एक बिल्ली आराम से सो रही थी, तभी उसके पास एक सांप आता है, जो आते ही बिल्ली के शरीर के ऊपर रेंगने लगती है और बिल्ली से पूरी तरह से इग्नोर मारते हुए सोने का मजा लेने में लगी होती है। लेकिन जब इसे सांप की जानकारी होती है, जिसके बाद आप इस बिल्ली की हालत देख ही सकते हैं। कंगारू वर्सेस कंगारू। दोस्तों, कहा जाता है कि भले ही कंगारुओं को कुछ ना आए, लेकिन उन्हें लड़ाई में माहिर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मादा कंगारू उन्हीं को पसंद करते हैं जो किसी भी कंगारू को आसानी से धूल चटा सकें, जैसा कि इस क्लिप में ही देखने को मिला। यहाँ कंगारुओं के इलाके में एक नया कंगारू आ पहुँचा है, जो यहाँ मौजूद मादा कंगारुओं को इम्प्रेस करने में लगा है, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसे उस मादा कंगारू तक पहुँचने से पहले उस विरोधी से जंग करनी होगी, जो लंबे समय से इस इलाके का किंग है। यहाँ दोनों के आमने सामने आते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया है और सबकी नज़र इन्हीं की तरफ है। यहाँ दोनों कंगारू एक दूसरे पर हमला बोलकर जंग को शुरू कर दिया है, और देखते ही देखते इस इलाके का किंग इस लड़ाई का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है और अपने स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करते हुए इस नए नवेले कंगारू को जोरदार लात मार देता है, जिस कारण इस नए कंगारू के पास यहाँ से भागने के सिवा और दूसरा रास्ता नहीं बचता। इतनी मार खाने के बाद यह कंगारू अब शायद ही इस इलाके में दूसरी बार आने की कोशिश करेगा। इस कुत्ते को शायद कोई गधा समझकर इसके आगे खाना बांध देता है, लेकिन यहाँ कुत्ता उसका भी बाप निकला, क्योंकि यह खाने को जमीन पर टच करके अपने आप खाना छुड़ाकर उसे सफाचट कर देता है।
यहाँ भी एक कुत्ता पानी के उस पार जमीन है सोचकर छलांग लगा देता है, जिसके बाद बेचारे कुत्ते के साथ क्या हुआ आप साफ साफ देख ही सकते हैं। कंगारू वर्सेस गोट। अब आप कंगारू और बकरे की इस हैरान कर देने वाली लड़ाई को देखिए, जहां यह बकरा शांति से टहल रहा होता है। बकरा टहलते टहलते कंगारू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कंगारू को देखते ही बकरा चुपचाप पीछे मुड़ने लगता है, मगर जैसे ही कंगारू की नज़र इस पर पड़ती है, कंगारू अपना आपा खो देता है और बकरे की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। आप देख ही सकते हैं कि यह कंगारू किस तरह बकरे को धूल चटाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ बकरा अब भी पूरी तरह से शांत होते हुए पीछे हट जाता है, जिस कारण यह लड़ाई यहीं शांत हो जाती है। लगता है इस कुत्ते को यह कच्चा घास पसंद नहीं आया, जिस कारण यह चलते चलते ही इस कच्चे को उतार देता है। यहाँ ये दो कुत्ते काफ़ी देर से लड़ रहे होते हैं और इस लड़ाई को शांत कराने के लिए ये गाय लगातार इनके बीच में आ रही होती है, पर ये ढीठ कुत्ते इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। तो दोस्तों, आज का जुम बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।